मैजिक ट्रिक अप माई स्लीव देखो मैंने इतनी दफा आस्तीने दिखा दी है अब तक तो, तो समझ लग जानी चाहिए एज ए फ्रीलैंसर इट इज ऑल अबाउट शोइंग योर बेस्ट बिहेवियर अनऑर्थोडॉक्स बिहेवियर ट्रिक्स एंड ट्रेड्स टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एम्प्लॉयर लो जी जनाब सारी बातें डिस्कस कर ली मौका देना सवालत पूछना रेलिवेंट यू आर एल्स यानी कि पोर्टफोलियो देना और उसके बाद स्पेशल ऑफर देना चार बातें थी ठीक हो गया ना अब बातें जनाब एक और जादू की जपी जादू की जपी मैंने क्यों वर्ड यूज किया बिकॉज ये बिल्ड में वो क्रिकेट का छक्का है जो इन मेरे केस में तो खैर बहुत काम किया है आपके केस में कितना काम करेगा मुझे पक्का यकीन है जरूर करेगा ना होता तो मैं यहां पे वीडियो ना रिकॉर्ड करा और आपके सामने ना आता वो है ना वीडियो क्रिएशन वीडियो क्रिएशन जो बिड कर रहे हो उसको समराइज मजीद समराइज करके वीडियो के फॉर्मेट में अपलोड कर दें मैं आपकी खातिर खाली आपकी खातिर पक्की बात है आपकी खातिर वीडियो क्रिएशन का जो पार्ट है उसका मैंने आधा काम खुद ही कर लिया मैंने रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी ताकि आपके सामने रिकॉर्डिंग का टाइम सेफ हो जाए आपका टाइम जाया ना हो एंड अब मैं आपके सामने उस वीडियो को प्ले करूंगा उस वीडियो में मैंने क्या बातें इंक्लूड की वो भी आपको बताऊंगा मैंने वीडियो क्यों रिकॉर्ड की मतलब मेरी मर्जी के अलावा इसलिए कि ताकि एम्प्लॉयर को पता लगे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है उसने रिस्पॉन्स तो देख लिया अब उसको ये जानना है कि भाई मैं हूं कौन कहीं मैं सर पे टर्बन लेके और ऐसे जो उनके एक इंप्रेशन होता है कि जनाब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के इनसे काम नहीं कराना मैं उसको ये दिखाना चाहता हूँ आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अल्लाह पाक ने सबको एक जैसा पैदा किया है और अगर मेरी प्राइमरी जबान इंग्लिश नहीं है तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करके इंग्लिश की जबान पे अबूर हासिल कर लिया है हाँ मेरा एक्सेंट भले ऐसा ना हो जैसा एक अंग्रेज का है पर मैंने अपना मैसेज इफेक्टिवली कन्वे क्रॉस कर दिया और वीडियो पे जाने से पहले एक बार मैं बता दूँ मैंने ये वीडियो नौ दफ़ा रीटेक की थी और फिर अपलोड किया उसकी वजह यह है कि मैं अपने कॉन्टेंट से सेटिस्फाइड नहीं था सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका कैमरा है आपका मोबाइल फोन है उससे वीडियो रिकॉर्ड कीजिए दस दफा कॉन्टेंट को रीटेक कीजिए आपको कोई रोक नहीं रहा जब आप कंफर्टेबल हो मुतमिन कि यह कॉन्टेंट अच्छा है तो फिर आप उसको अपलोड कर दें अपलोड कम करें आइए देखते हैं तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो ये YouTube पे मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड किया रैनी के लिए जिस प्रोजेक्ट पे हम अभी तक बात करते आ रहे हैं अपलोड करने का तरीका ये है कि आप इसकी जो लिस्टिंग है उसको आप अनलिस्टेड कर देते हैं सो दैट ओनली विद द यू आर एल ऑफ़ दैट वीडियो वुड बी एबल टू सी यूर कॉन्टेंट ये स्पेशली मैं खुवात के लिए बात बोल रहा हूँ आप यही नहीं चाहती कि आपका कॉन्टेंट पूरे यूट्यूब पर फैल जाए ज़ाहिर आपके प्राइवेसी कंसर्न है और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आ, समझता हूँ कि आपके आपके आप पे रिस्ट्रिक्शन हैं आपके, आपके, आपके आपको आजादी नहीं है आपको शायद पूरी इजाजत नहीं है कि आप अपना वीडियो कंटेंट पब्लिक कर सकें तो कोई बात नहीं YouTube आपको बिलिटी देता है कि आप प्राइवेसी सेटिंग्स को अनलिस्टेड कर दें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो अब अनलिस्टेड का मतलब यह है कि आपकी वीडियो वही देखेगा जिसको आपने लिंक दिया हुआ है यानी कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयर मैंने भी अनलिस्टेड रखा हुआ है अपने चैनल पे और अनलिस्टेड का मतलब यह है कि सिर्फ रैनी साहब ही मेरी वीडियो देखेंगे इस वीडियो में जनाब चालीस सेकंड की वीडियो है मेरे नजदीक एक अप्रोप्रियट वीडियो चालीस सेकंड से लेके ले एक मिनट तीस सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है मैं इसके बारे में बड़ा डिटेल से बता के आ चुका हूं हाँ। अब सर खुजर आ रहे हो ना मैंने कहा था कि जंप मार के ऑल द वे वीडियो तक बेडिंग सीखनी है वापस जाए शाबश शुरू की वीडियो देखें फिर तशरीफ लाइएगा तब तक आपको सब समझ लगेगी क्योंकि मैं सीक्वेंस से चल रहा हूं अच्छा ये मेरी स्क्रीन देखिए इस पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है और इसके चार लगभग कंपोनेंट है, मैं कौन हूं? नाम क्या है? दूसरी बात, मैं लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं पोस्टर भी बनाता हूं कोट कार्ड्स भी बनाता हूं मैं वेबसाइट के यूजर इंटरफेस भी बताता हूं चौथी बात मैं उसको बता रहा हूं मैं वीडियो रिकॉर्ड क्यों करा रहा हूं मैनो की तकलीफ हुई है मैं इसको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई मेरी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है अगर मैं वीडियो में सामने आ रहा हूँ और मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ एम्प्लॉयर को रैनी साहब को कि भाई मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है इसी के बीच में मैं एक ऑफर भी फ्लोट कर दी वही जो मैंने ऊपर फ्री मॉकअप की डाली हुई है इसी के बाद आखिरी पॉइंट मैं उसको ये बता रहा हूँ कि इफ इंटरेस्टेड ओपन मैसेज बोर्ड ताकि आप कम्युनिकेशन का आगाज कीजिए सो दैट वी कैन डू बिजनेस टुगेदर सो ये पांच इफेक्टिव पॉइंट्स मैंने वीडियो में कवर किए हैं इस वीडियो को बार बार देखिएगा ये मैंने पब्लिक कर दिए सिर्फ आपके लिए इनिशियली अनलिस्टेड थी बट अभी पब्लिक हो गई है ताकि आप लोगों को देखने का मौका मिले सीखने का मौका मिले इस वीडियो के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्चुअली सारी चीजें एक ही बात पे आके एम्फिस करते हैं आई वॉन्ट टू शो माई कम्युनिकेशन स्किल के आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं ये काम लेना चाहता हूं मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं एंड आई एम गोना गो एट एनी लेंथ वैल्ड स्टेइंग विद इन लिमिट्स टू कन्विंस माय एम्प्लॉयर कि भाई आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हायर मी तो आइए दोस्तों रैनी साहब के लिए जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की उसको इकट्ठे देखते हैं ये देखिए स्क्रीन पर हाय रैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर विद एक्सपीरियंस ऑफ ओवर टेन ईयर्स ऑफ डिजाइनिंग user interfaces of websites brochures catalogs design codes and also doing the video editing uh, for the last uh, four years precisely I would like to offer you a free mock-up of your quote card design uh, within 24 hours this is just an initiative to show you my communication skills my design skills so if you're interested open message board and hopefully we can communicate further लुक to यूर रिस्पॉन्स इन डूइंग बिजनेस विद यू थैंक यू दोस्तों एक बात गौर किए ये वीडियो मैंने अपने स्मार्टफोन से बनाई थी ऐसे ऐसे रख के और मैंने आपको ये भी बताया मैंने आठ दफा रीटेक की नौ दफा लेकिन ये वीडियो इतना पावरफुल मैसेज दे के जा रही है कि एम्प्लॉयर को पता लग रहा है कि दिस फ्रीलैंसर इज सीरियस अबाउट देयर बिजनेस अव्वल तो वो इंस्पायर होगा वीडियो पे इतना है, हैंडसम आदमी देख के क्या इसमें हंसने की क्या जरूरत है मैं को लतीफा सुना है नहीं हैंडसम जोक्स अपार्ट देखो मैसेज इज ऑल दैट मैटर्स इन द वर्चुअल कम्युनिकेशन इन द वर्चुअल वर्ल्ड इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू कैन डू टू अट्रैक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर और मैंने वीडियो में यही काम किया मैंने इस वीडियो में ना जो बातें बोली हैं वो ये हैं है कि भाई मैं कौन हूँ मेरा एक्सपीरियंस कितने साल का है मैंने स्किल सेट क्या जो है वो पॉलिश किया हुआ है मैं क्या क्या काम करता हूं आपके लिए एक फ्री मौका आप मुझे क्यों हायर करें और आखिर में एक रिक्वेस्ट कि भाई पीएमबी खोलिए ताकि हम इकट्ठे बिजनेस कर सकें सारी बातें होगी ना अब आओ देखते हैं स्क्रीन पे देखते हैं कि मैं इस वीडियो वाली बात को कैसे लिखूंगा देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने इंफोसाइज कैसे करना है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देखिए एफर्ट सारी आपने कर दी दोस्तों आपने वीडियो रिकॉर्ड करा दी अपने मोबाइल फोन से अब मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब पे अपलोड कर दो मैंने लेडीज के लिए बताया कि आप वीडियो की जो प्राइवेसी सेटिंग है उसको अनलिस्टेड रख लीजिए लेकिन ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपने बिड में भी तो बताना है ना एम्प्लॉयर को कि भाई मैंने आपके लिए एफर्ट मारी है मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है और यह इसे इसलिए इस किया कि आप मेरी कम्युनिकेशन स्किल देख लें और इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि भाईजान पी एम बी खोलो ताकि मैं घेरूं आपको मैंने यहां पर क्या लिखा है मैंने लिखा है स्पेशल वीडियो रिस्पॉन्स जस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट ऑन यूट्यूब एट लिंक फलाना टिमकाना बस इतनी सी बात लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा मैंने इसका एम्फेसिस बोल्ड में रखा है मेरी तरफ से मिसाल के तौर पे जरूरी नहीं है कि आप इसको वाकई हकीकतन सच जाने मेरी तरफ से ऊपर एक लफ्ज ना पड़े वो रैनी साहब ये बोल्ड चीज रैनी भाई को अट्रैक्ट करेगी जब अट्रैक्ट करेगी और वो देखेगी जी पर्सनलाइज मैसेज हेलो रैनी एकदम ही विल बी अलार्म तो मेरे बारे में बात हो रही है ऊपर से मैंने ये बोल्ड करके बेड में रखा हुआ है अट्रैक्ट करूंगा मैं रैनी को कि वो इधर मुझे पीएम भी खोले या वो पूरी की पूरी बेड जो है वो देखे क्योंकि वेन यू ओपन अ पर्टिकुलर बेड टू रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट तो सबसे पहले तो ये बोल्ड वाली चीज नेचुरली स्ट्राइक करेगी ना मैंने इसलिए जानबूझ के सिर्फ इसी पार्ट को बोल्ड रखा था नॉर्मली मैं और भी एक पार्ट है जिसको बोल्ड रखता हूं पर वो अगली वीडियो पे सो so, कहने का मतलब ये है कि वीडियो की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज ना कीजिए इफ यू वॉन्ट टू गेट एम्प्लॉयर्स बिजनेस इट टेक्स अराउंड फोर्टी और सेकेंड्स टू रिकॉर्ड अ वीडियो इट टेक्स अराउंड वन एंड हाफ मिनट टू अपलोड अ वीडियो इन यूट्यूब इट टेक्स अराउंड दस सेकेंड दस सेकेंड मैंने आपके लिए कहा वैसे पांच सेकेंड दस सेकेंड टू कॉपी पेस्ट एंड राइट इन द बेड एक यूरल कॉपी पेस्ट करना बट इम्स का इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लर ना खुश हो तो मेरा मुझसे कंप्लेन करना चलते हैं अगले पार्ट पे अब बेट को क्लोज करते हैं